जनकों में मिलाने की जनकी हमें बनाने पत्थर को मोम बनाने आया है। आज इतनी बड़ी सभा में ऊपर नीचे बैठने वालों को पूछना आपके परिवार के लिए कोई संविधान है क्या? भाई परिवार के लिए कोई संविधान? मैं मीडिया यदि बैठा तो उनको पूछना चाहता हूं मीडिया का कोई संविधान है क्या? जानना चाहता हूं संविधान की व्यवस्था है कि नहीं? संविधान का भंग करने वाले को सजा होती है? मैं पूछना चाहता हूं परिवार का कोई संविधान? नो आंसर फ्रॉम यू नॉट एनीवन। आज ये ताकत जीवन में कभी ताकती देखने का प्रयास किया? सिग्नेचर जिसके देख लिया बात खत्म करो। ट्रेन योर ब्रेन। मेरे मन को मैं मानस साहब ट्रेन करना चाहता हूं, ये ट्रेन करना इनकार से बस एकदम मैं चेक करना चाहता हूं मेरे मन ने मुझे कहां डुबाया कहां फंसाया। थिंक फ्यूचर थिंक सिग्नेचर। आप यदि मुझे जवाब दे सकते हो तो मैं जानना चाहता हूं सिग्नेचर देखने के नहीं देखने के पीछे आपके लॉजिक क्या है? दो ही मिनट में यदि आप बता सकते हो आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू। ये बोलने वाले मेरे पिताजी हैं, ये बोलने वाले मेरी मम्मी हैं, ये बोलने वाले मेरे गुरुदेव है, बोलने वाले परमात्मा है। हर तरह सिग्नेचर की इतनी बड़ी ताकत थी, हमने सिग्नेचर को एवॉर्ड करने की गलती क्यों की? आगे चलूं कि कोई जवाब मिलेगा तुमसे? सुनिए एनी आंसर फ्रॉम यू। रात को 9:30 बजे के घर से बाहर नहीं जाना वो मेरे परिवार का संविधान था। मैंने 19 साल की उम्र में दीक्षा ली तब तक घर की एक व्यवस्था थी, रात को 9:30 बजे के बाद एक भी फैमिली मेंबर घर से बाहर नहीं निकलेगा। आपके परिवार का कोई संविधान है? बिना संविधान देश नहीं चलता, बिना संविधान कोर्ट नहीं चलती, बिना संविधान डिस्पेंसरी नहीं चलती है, बिना संविधान साधु संस्था नहीं चलती है, बिना संविधान लाइन डाइन जैसी रोटरी क्लब कोई नहीं चलता है। आपका घर का संविधान है क्या? इतनी बड़ी सभा में कोई जवाब नहीं माना साहब, हमारे घर का संविधान है, कोई नहीं उनका भंग कर पाएगा। थिंक सिग्नेचर। और एक बार तुम्हें ये सिग्नेचर को चेक कर लो तुम्हारा जीवन धन्य बन जाएगा। एक नंबर थिंक फ्यूचर, वो फ्यूचर की बात, सिग्नेचर प्रेजेंट की बात। अच्छा करने का मन नहीं था, बीबी गुरुदेव ने सिग्नेचर देखी और शुरू कर दिया, हो गया बहुत कुछ अच्छा। ये सुनी ने भले ही बोता, मैं फिर भी पूछना चाहता हूं सच बोलो, आपके हिसाब से इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन क्या है? थोड़ा आपसे भी मैं थोड़ा डिबेट करना चाहता हूं, यदि आप बोल सकते हो तो। यहां बहुत एजुकेटेड पढ़े लिखे वो लोग मेरे सामने आए, मैं उनको पूछना चाहता हूं स्वतंत्रता और स्वच्छंदता दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? स्वतंत्रता और स्वच्छंदता दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? क्या है कौन सी डिसिप्लिन? नहीं आप बोलोगे डिफरेंस क्या स्वतंत्रता और स्वच्छंदता, आपके पास जवाब नहीं है तो मैं ही बताऊं। जहां मस्ती के साथ मर्यादा होती है, रिपीट, जहां मस्ती के साथ मर्यादा होती है वो है स्वतंत्रता,
और जहां मर्यादा का भंग करके मस्ती की बात चलती है वो है स्वच्छंदता। जहां मर्यादा के साथ मस्ती की बात चलती है, मर्यादा के साथ मस्ती, विरोध नहीं, मस्ती का कोई विरोध नहीं, मगर मर्यादा में मस्ती। आप गाड़ी चलाओ विरोध नहीं है, छूट है, स्वतंत्रता है तुम्हें, मगर मर्यादा के साथ रोड पे गाड़ी चलाओ, किसी का एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए।